हेलो गाइस, कैसे? हाँ, ये पिग मेरे हाउस के अंदर क्या कर रहा है? ओके, हेलो पिग, गुड मॉर्निंग, तू कैसा है? एकदम ठीक है ना? तो चल अभी माइनिंग करने चलते हैं। यार बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अरे ठंड से याद आया गाइस, आप लोगों को समर सीज़न या विंटर सीज़न, इन दोनों में से कौन सा सीज़न पसंद है मुझे कमेंट्स करके बताओ। तो मैं आ चुका हूँ माइनिंग करने के लिए अपने पिग दोस्त के साथ। क्या हो गया? अरे वो रे केव, हम लोग उसमें माइन कर सकते हैं, तो चलो चलते हैं माइनिंग पे। ये गाइस, आज तो बहुत सारे डायमंड्स माइन करूँगा। ये क्या, यहाँ पे तो बर्फ जमी हुई है। वेट, ये कौन है? ओ माय गॉड, ये तो लूनार मून है गाइस। ओबे, चलो इसको बाहर निकालते हैं, बेचारा तड़प रहा है अंदर ठंड से। गाइस बहुत देर हो चुकी है एंड यहाँ की बर्फ पिघल चुकी है आग से, एंड मैंने इसको बचा लिया। अरे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है लूनार मून। ये क्या हो गया, इसका साइज छोटा कैसे हो गया? ये क्या कर रहा है गाइस, क्या हो गया पिक? तेरे ही समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरे भी समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं ये क्या कर रहा है। हेलो सुपरसोनिक, तू कैसा है? एकदम ठीक है ना? ओके गाइस, ये देखो मेरे साथ आज कौन है? मेरे साथ आज है मेरा न्यू फ्रेंड जिसका नाम है सुपरसोनिक। लेकिन ये क्या कर रहा है? ओबे, पिग्स को मार रहा है, चलो मार देते हैं क्योंकि ये पिग है मेरे दुश्मन के। एंड अबे भाग कहाँ को रहा है, तू बचेगा नहीं आज। अबे भाग कहाँ रहा है, रुक जा। अबे यार ये तो हाउस के अंदर घुस गया। ओ माय गॉड, ये कौन है? अबे ये तो पेपा पिग है। शिट, इसने मेरे दोस्त को मार दिया एंड ये उसको मार के अपने हाउस के अंदर चली गई। गाइज हमारे वर्ल्ड के अंदर आई है द स्कैरिएस्ट पेपा पिग। वेट, ये ग्रैंडफादर क्या बेच रहे हैं? हेलो, क्या बेच रहे हो तुम यहाँ पे? टीएनटी? ओह मैनी, थैंक यू, मेरे को दे दो टीएनटी, इसके अंदर क्रैश हो। ओके गाइस, मैं समझ चुका, मुझे यहाँ पर निशान लगाना पड़ेगा एंड निशान लगाने में मैं एक नंबर माहिर हूँ, एंड देख सकते हो कि कितने अच्छे निशान लगा रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पर लास्ट 3 बचे हैं, चलो इस पे मारते हैं एंड इस पे ही मारता हूँ। गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वाला गेम खेलना पसंद है या नहीं। अगर आपको पसंद है तो यस लिखो, अगर आपको नहीं पसंद है तो नो लिखो। चलो मैंने ये गेम कंप्लीट कर लिया है एंड इन्होंने मुझे दे दिए हैं बहुत सारे टीएनटी एंड रेडस्टोन टॉर्च, और इसकी मदद से मैं बनाने वाला हूँ एक ट्रैप, जो कि ट्रैप होने वाला है मेरी दुश्मन पेपा पिग के लिए। ओके, लेकिन उससे पहले मुझे अपना कोई दोस्त चाहिए होगा। हेलो, कोई घर में है क्या? रेड सोनिक, चलो हमारा दोस्त आ चुका है। एंड उससे पहले हम लोग बुलाते हैं अपने एक और दोस्त को जो कि है ग्रीन सुपर सोनिक। चलो वाओ, हमारे दोनों दोस्त आ चुके हैं एंड ये रखो टीएनटीज एंड ट्रैप बनाने जाओ, जल्दी ट्रैप बनाने जाओ एंड उसको आज छोड़ना नहीं है स्कैरी पेपा पिग को, ठीक है? लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो गाइस? पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, चलो इनका पीछा। अबे ये एक ट्रैप बना रहे हैं, देखते हैं गाइस इन लोगों के अंदर कितना दिमाग है एंड ये लोग कैसा ट्रैप बनाते हैं। आज मैं सिर्फ देखने वाला हूँ एंड सारा काम यही लोग करेंगे। लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं। ओके, यहाँ पर पेपा पिग के लिए पता नहीं लोगों ने क्या कर दिया है, चारों तरफ से वॉल उठा दी है एंड वॉल उठाने से पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके चलो देखते हैं, ये पेपा पिग को बुलाने के लिए तो जा रहा है, लेट्स सी। ओबे वो आ चुकी है। ओ बे वो तो पीछे ही पड़ गई यार, देखते हैं गाइस इनका ट्रैप काम करता है या नहीं। ओके यहाँ पर पेपा पिग अंदर गया, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। ओके चलो मैंने इसको बंद कर दिया है फाइनली। गाइस मैंने इसको फाइनली ट्रैप्ड कर दिया। ओबे इन लोगों ने तो ब्लास्ट भी कर दिया, ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। अरे वाह गाइस, मजा आ गया, इन लोगों ने अपने दोस्त का बदला ले लिया। ओबे थॉमस यहाँ पे क्या कर रही है? ओ माय गॉड, जल्दी भागो, ये शायद अपनी दोस्त पेपा पिग का बदला लेने के लिए आई है। शिट गाइस, जल्दी भागो। केव के अंदर चलो यार, ये वेट, हाँ ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ब्लू सोनिक क्या कर रहा है? ओबे ब्लू सोनिक एंड ये छोटी सी थॉमस
यहाँ पर ट्रैप है, इनमें से हम एक को बचाएंगे। ऑफ कोर्स हम अपने दोस्त ब्लू सोनिक को बचाएंगे। चलो जल्दी से बचाते हैं। ऑलराइट, हमने इसको बचा लिया है। यस, मजा आ गया गाइज। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नहीं हो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करो। चलो वेट, ओ माय गॉड, वो आ चुकी है स्कैरी थॉमस। थॉमस आ रही है हमारे पास, वो कहीं हमें मार ना दे। जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी। शेट, ओ नो, अबे यार जल्दी चलो, जल्दी चलो। अबे ग्रीन, ओ बे, ये और ज्यादा स्कैरी होती जा रही है। इसने हमारे ग्रीन सुपर सोनिक को मार दिया है। रेड सुपर सोनिक भाग, ये खड़े होने का टाइम नहीं है। ओबे ब्लू सोनिक तू क्या कर रहा है? गाइस ये तीनों ने क्या कर दिया, एंड इसने तीनों को मार दिया। ये बहुत बुरी बात है, प्लीज मुझे छोड़ दे। ओबे शिप, ओ हमारे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल शिप आ चुकी है, एंड अब मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिप है ना वो मोस्ट पावरफुल शिप है, जो कि जिसके सामने कोई भी आ जाए हर किसी को उठा उठा के पटकती है लाइक दैट। ये देखो सामने, यहाँ पर थॉमस का क्या हाल हो चुका है, पिट पिट के, एंड अब शिप इसको नहीं छोड़ेगी। मेरा मतलब शिप इसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये ओबे यार, इसने अपनी भी बलि दे दी एंड साथ में थॉमस को भी मार दिया। गाइस एक लाइक तो बनता है इस प्यारी सी शिप के लिए। लेकिन रुको मेरे पीछे, ओ ओबे ये बच कैसे गई? पेपा पिग अर्थवर्म के साथ आ रही है, वो भी जाइंट अर्थवर्म, स्कैरिएस्ट। मुझे भागना पड़ेगा। ओबे लावा है, आज तो मैं नहीं बचने वाला, मैं जा रहा हूँ लावा में। ओबे ओ नो शिट। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों को 3 डोर्स दिखे हैं, एंड इसके आंसर आपको मुझे कमेंट्स करने पड़ेंगे। ये देखो 3+2 कितना होता है, मुझे कमेंट्स करो। एंड इसके अंदर में मिली है एक थॉमस, वही पिंक कलर की। वाओ, इसने मेरे को नोकिया का फोन दिया है, नोकिया, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, तो निकल यहाँ से, निकल निकल। डायमंड का चाहिए मेरे को, मेरे को डायमंड चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9-3 कितना होता है, जल्दी से मुझे दोनों के आंसर बताओ। एंड देखते हैं ये थॉमस में क्या देती है। ओके ये क्या है? ओबे सैमसंग गैलेक्सी। ओके बढ़िया, सैमसंग गैलेक्सी। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है, 4+4 कितना? ओ शिट, ओ माय गॉड। ओबे यार इस विलेजर ने तो मेरे को एकदम दबा दिया, और ये विलेजर हद से ज्यादा बड़ा है। रुको गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये विलेजर कितना बड़ा है। ओ माय गॉड, इसको देखने के बाद तो मुझे भी डर लगने लगा। ये देखो, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा विलेजर है यार, इसने मेरे को दबा ही दिया था बिल्कुल। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, एंड जल्दी से चेस्ट। वेट, कौन आ गया? हैकर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? इतनी बड़ी शिप क्या कर रही है? इसके साथ आया तू, और एक गन, इस गन का मैं क्या करूँगा? लेजर राइफल, वाओ, मैं टेस्ट करके देखता हूँ शिप पे। सो गाइस चलो टेस्टिंग करते हैं। ओ ओके, मैं समझ चुका हूँ, ये एक ऐसी गन है जो कि कितने भी बड़े इंसान को या एनिमल को छोटा कर देती है। फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं उस विलेजर को छोटा कर सकता हूँ। वाओ क्या आइडिया आया है, चलो चलते हैं। ओके ये रहा वो विलेजर, वो एक गुस्सा के दिखा रहा है मेरे को। अभी रुक जा, तेरा सारा गुस्सा निकालता हूँ, ये ले। ओके गाइस ये देखो, इस बेचारे की सारी अकड़ निकल गई। कितने अकड़ में था अकड़ू विलेजर, तेरी सारी अकड़ निकाल दी मैंने, अब फूट ले यहाँ से। सो गाइस ये बेड अब फाइनली अपन लोगों का है। सो मजा आ गया मेरे को तो, ये देखो इतना बड़ा बेड अब मेरा हो गया। अबे बेड में ये क्या? ओ चेस्ट, इसके अंदर पक्का डायमंड्स हैं। ये गाइस मेरे को बहुत सारे डायमंड्स और एमरल्ड्स मिल चुके हैं। हाँ यार, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ इस बेड के पास, क्योंकि मैं अभी नानी घर पे गया था, इसलिए मेरे को नानी घर पे बहुत दिन लग गए, क्योंकि मैं वहीं पे रुक गया था ना। वेट, अबे यार ये विलेजर्स कब सुधरेंगे? मेरे जाने के बाद कहीं ना कहीं ये लोग हमेशा कब्जा कर लेते हैं, और ये विलेजर उतना बड़ा नहीं है, ये अपने नॉर्मल सा। वेट,
नॉर्मल साइज में तो नहीं है, ये काफी बड़ा हो चुका है। शिट, ये कैसे हो गया? एक विलेजर ऐसा नहीं कर सकता। सो गाइस, ये देखो, अब ये बेड, ये विलेजर इस बेड को जंगल के बीच बीच में लेके आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर इसका दूसरा विलेज है। ओके, ये क्या, यहाँ पर मैं वाटर पैक गायब कहाँ हो गया? ओके, ओ शिट, मेरे को लगा कूद जाएगा लेकिन ये मर गया। सो गाइज, ये देखो, मैं अपने फाइनली ओल्डेस्ट विलेज के अंदर आ चुका हूँ। हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे को डायमंड दोगे? नहीं, डायमंड उधर है, ये बताना चाह रहे हो क्या? तुम तो बहुत अच्छे विलेजर हो। वेट, ये क्या है? ओके गाइज, मैं समझ चुका हूँ, ये एक सेलर है, ये बेड सेलर है और ये बेड को सेल करता है। यहाँ पे 100 डायमंड में एक जाइंट बेड मिल रहा है हमको, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं है, सिर्फ 100 डायमंड। गाइस, चलो चलते हैं माइनिंग पे। ओके, मैं आ चुका हूँ केव के अंदर। ओ वाव, डायमंड्स मिल गए एंड यहाँ पे काफी ज्यादा डायमंड्स हैं।